आई नो तुम सुपर हीरो फ्लाइंग एडिटिंग सीखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया, मगर कौन सा सुपर हीरो का फ्लाइंग? बहुत सारे सुपर हीरो है जो फ्लाइंग करते हैं, तो इस वीडियो में सुपरमैन की इस फ्लाइंग सीन को एडिट किया कैपकार्ट से। तो देख लो मेरा एडिटिंग। अपनी शक्ति को आजमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे आजमाते रहना। तो एडिटिंग को आसान करने के लिए ट्यूटोरियल को डिवाइडेड कर दिया। चाहो तो तुम सिंगल ए शॉट की एडिटिंग को सीख सकते हो, या ए शॉट या फिर फाइनल वीडियो। मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट करना, फिर लाइट को लॉक करके दो शॉट लेना है। एक पे एक्टिंग करना है ऐसे, और एक बैकग्राउंड का रिकॉर्ड कर लेना। कैपकट को ओपन करके फास्ट बैकग्राउंड को ऐड करो, फिर एंडिंग पार्ट और वीडियो के बैकग्राउंड साउंड को जीरो करो। देन ओवरले एड ओवरले से खुद के वीडियो को इंपोर्ट करो, वॉल्यूम को जीरो करो, फिर स्क्रीन में फिट कर लो। नेक्स्ट जहाँ पे बॉडी हवा पे जा रहा है वहाँ पे काट लगा के, फिर कटआउट में रिमूव बैकग्राउंड कर लेना। उसके बाद टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेना, और फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड, और पास में एक की फ्रेम ऐड करके वीडियो को स्क्रीन से ऊपर कर लेना। ऐड ओवरले से इस इफेक्ट को इंपोर्ट करो, फिर कटआउट के अंदर क्रोमा की से ग्रीन को रिमूव कर लो, फिट करो। नेक्स्ट स्प्लाइस के अंदर हार्ड करना है, देन जंप के टाइमिंग के साथ इफेक्ट को अच्छे से मैच कर लेना। नेक्स्ट लेयर में वन करना, एड ओवरले से शॉक वेव को इंपोर्ट करो, देन स्प्लाइस से ब्लैक को हटाओ। उसके बाद स्पीड को 5x करना, और शॉक वेव को ग्राउंड पे सेट करना। देन डबल बैक करके एड ओवरले से डस्ट इफेक्ट को इंपोर्ट करो, और फिर से स्प्लाइस से फिल्टर करके ब्लैक को हटाओ। नेक्स्ट शॉक वेव के साथ मैच करने के लिए इसके भी स्पीड को 5x कर लेना। बैक करके इफेक्ट वीडियो इफेक्ट में सेक इफेक्ट को ऐसे सेटिंग करके फिर अप्लाई करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑल वीडियो कर लेना। तो ऐसे पोज देके एक फ़ोटो खींचना, फिर फोटो को PNG कर लेना। कैपकट को ओपन करके इस फोटो को इंपोर्ट करो,
एंडिंग के पार्ट को डिलीट करो। देन फॉर्मेट में वीडियो फॉर्मेट को 60:9 करना और फोटो को जूम करो। नेक्स्ट फोटो को टच करके फास्ट में एक की फ्रेम ऐड करना और फोटो को थोड़ा सा ऊपर करना। फिर लास्ट में फोटो को नीचे कर लेना। देन ओवरले ऐड ओवरले से पीएनजी फोटो को इंपोर्ट करो। साइज को छोटा करो। फोटो में भी फास्ट और लास्ट की तरफ की फ्रेम लगाना, फिर फोटो को मूव करना। ऐड ओवरले से पीएनजी क्लाउड फोटो को इंपोर्ट करो। फिर एडजस्ट में जाके ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेना। नेक्स्ट टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेना। उसके बाद फोटो को स्प्लिट करके डिलीट करो और फोटो के टाइमलाइन को 0.5 सेकंड रखना। नेक्स्ट साइज को इंक्रीज करो और फोटो को ऊपर की तरफ करके की फ्रेम ऐड करना और लास्ट में की फ्रेम ऐड करके फोटो को नीचे करना। नेक्स्ट फोटो को कॉपी करके लेयर को नीचे करना और क्लाउड के पोजीशन को थोड़ा सा राइट की तरफ करना। फास्ट की में भी और लास्ट की फ्रेम में भी राइट की तरफ करना फोटो को। नेक्स्ट फोटो को कॉपी करो। और ऐसे फिट करते रहना एंडिंग तक। फिट हो गया तो बैक करके इफेक्ट वीडियो इफेक्ट में सैक इफेक्ट के स्पीड को 100 और इंटेंसिटी को 10 करके अप्लाई करना। और लास्ट में ऑब्जेक्ट से ऑल वीडियो कर लेना। फाइनल वीडियो एडिटिंग के लिए ये 3 शॉट को ऐसे रिकॉर्डिंग करना। और ये शॉट का डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड लिंक है। फास्ट इनशॉट को ओपन करके न्यू से सारे शॉट को सीक्वेंस से सिलेक्ट करके फिर इंपोर्ट करना। फिर सारे शॉट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे एक एक करके डिलीट करना है। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो गया तो फिर काट पे ट्रांजिशन लगाना।
और सेव वीडियो।